नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। और गोवर्धन के इस खास पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं इसका महत्व, साथ ही क्या तिथि है उसके बारे में बताऊंगी। गोवर्धन दिवाली उत्सव का चौथा दिन है जो भगवान कृष्ण को समर्पित है, और इस दिन को श्री कृष्ण की विजय का प्रतीक भी माना जाता है। पंचांग के अनुसार ये पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस बार 2 नवंबर 2024 को गोवर्धन पूजा है, और इस दिन घरों में गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है, जिसकी पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। इस दौरान अन्नपूर्णा माता की आराधना भी की जाती है, जिससे परिवार में सुख और समृद्धि का वास होता है। हर साल की तरह इस बार भी गोवर्धन पर्व कई शुभ योग के बीच मनाया जा रहा है। इस दिन कुछ खास कार्यों को करने से श्री कृष्ण की कृपा जीवन में बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि गोवर्धन के दिन क्या करें और क्या ना करें। गोवर्धन पूजा के दिन क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको उसके बारे में बता दें। गोवर्धन पूजा के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, साथ ही इस दिन तुलसी के पौधे में दीपक जलाना चाहिए। इसी के साथ इस दिन जरूरतमंदों को दान भी करना चाहिए। वहीं गोवर्धन पूजा के दिन विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और उनके नामों का जाप भी करना चाहिए। इस दिन गाय की पूजा भी जरूर करें। वहीं इस दौरान गाय के गोबर से बने कंडे को जलाकर पूरे घर में धुआं करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, यानी कि नेगेटिविटी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाना चाहिए, और इसी दौरान गोवर्धन पर्वत की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए, और ऐसा करना काफी शुभ माना जाता है। अब आपको मैं बता दूं कि गोवर्धन पूजा के दिन हमको क्या क्या नहीं करना चाहिए, जिसका खास करके आपको ध्यान रखना होगा। गोवर्धन पूजा के दिन घर को गंदा नहीं रखना चाहिए, साथ ही इस दिन तामसिक चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन किसी को भी अपमानित भी ना करें, साथ ही इस दौरान काले रंग के वस्त्र तो बिल्कुल ही ना पहने। गौ माता को परेशान ना करें, क्योंकि सभी जानते हैं गौ माता श्री कृष्ण की प्रिय थी। इस दिन घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए, और ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसी ही और जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे, साथ ही बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर एक पोस्टमैन मिलेगा सत्य के संकेत के साथ। जय हिंद, जय भारत।